नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त। आज के इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, पिछले कुछ दिनों से हम IIM के इंस्टीट्यूशंस के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अब तक हमने बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस के बारे में इंफॉर्मेशन लिया है। आज का जो इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में हम आज इंफॉर्मेशन लेंगे, वो है IIM उदयपुर। जैसे हमें पता है, जब भी हम MBA के बारे में सोचते हैं तो पहला नाम हमारे दिमाग में आता है IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आज हम बात करेंगे IIM का जो इंस्टीट्यूशन है उदयपुर में, उसके बारे में। अगर हमें वहाँ पे एडमिशन लेना है तो हमारे दिमाग में कुछ, मन में कुछ सवाल आना स्वाभाविक है। उस सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के दौरान मिलने वाला है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों से दरख्वास्त है, आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा और आपके जो दिमाग में सवाल हैं, उस सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के दौरान मिलने वाला है। तो इसको आप अंत तक देखिएगा। जब भी हम एडमिशन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में जो सवाल होते हैं वो इस बात से रिलेटेड होते हैं। कौन सी चीज़ें हैं वो? अगर हम उदयपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं IIM में, तो हमारे दिमाग में सवाल होते हैं कि उदयपुर में कौन कौन से कोर्सेज होंगे, फ़ी रेंज क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, वहाँ पर कौन सा एंट्रेंस टेस्ट एक्सेप्ट किया जाएगा, वहाँ से अगर मैं MBA और कोई और डिग्री करूँगा तो मुझे सैलरी पैकेज कितना मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ओवरऑल परसेंटाइल रैंक PT कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हॉस्टल फैसिलिटी होगी या नहीं होगी, स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये और बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में होते हैं। और वही सभी सवालों का जवाब देने का मैं एक अटेम्प्ट कर रहा हूँ इस वीडियो द्वारा। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना ना भूलो। और आज हम बात करेंगे इस सभी चीज़ों के बारे में। मेरे सभी प्यारे दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा। और साथ ही में, अगर आप इस चैनल पर नए हो, अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जिसका नाम है एकेडमिक इनसाइट्स, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में यहाँ पे जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोज आगे भी जाके मिलती रहेंगी। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो IIM उदयपुर के बारे में। तो देखते हैं, ये जो IIM उदयपुर का इंस्टीट्यूशन है, 2011 में स्थापित हुआ इंस्टीट्यूशन है, जिसका NIRF रैंकिंग के हिसाब से रैंकिंग है 17। ये जो कैंपस है 300 एकड़ में, काफ़ी तगड़ा, काफ़ी मोटा, काफ़ी बड़ा कैंपस है ये। 300 एकड़ में ये कैंपस फैला हुआ है। यहाँ पे 5 अलग अलग कोर्सेस पढ़ाए जाते हैं। अगर हम फीस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो फीस चार्ज होता है वो है 3.2 लाख से लेकर 21 लाख तक। इसमें कम ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है, ये जो आंकड़े हैं पिछले साल के आंकड़े हैं। तो फीस का जो रेंज है 3.2 लाख से 21 लाख पर एनम। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हमें एडमिशन लेना है तो हमारे पास कोई भी एक ग्रेजुएट डिग्री होना ज़रूरी है जो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से हमें मिली है। अगर हम ओपन कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स डिग्री में होना ज़रूरी है। अगर हम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम जो इसके लिए और इस इंस्टीट्यूशन में, उदयपुर के इंस्टीट्यूशन में एक्सेप्ट किया जाता है, वो है CAT का, जिसको हम बोलते हैं कॉमन एडमिशन टेस्ट, और उसको हमें पास करना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे पिछले साल के हाईएस्ट पैकेज की। 2020 में जो हाईएस्ट पैकेज कंपनी के द्वारा इस इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स के लिए ऑफर किया गया है वो है 53 लाख पर एनम। अब बात आती है हॉस्टल फैसिलिटी की। इस संस्थान में, इस इंस्टीट्यूट में आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी दी जाएगी, वो मिल सकती है, स्टूडेंट्स के लिए ऑफर की जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस विच इज़ वेरी कॉमन एंड यूनिक इन एवरी इंस्टीट्यूशन ऑफ IIM, वहाँ पे होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसे कि CAT के मार्क्स, GD के मार्क्स, PI के मार्क्स, तीनों को मिला के एक ओवरऑल परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पे एक जनरल कैटेगरी का ओवरऑल परसेंटाइल यहाँ पे दिया है, वो है 90। पिछले साल का ये परसेंटाइल है, इसमें चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी है, कैटेगरी के हिसाब से इसको चेंज होती रहती है। तो ये है ओवरऑल परसेंटाइल रैंक PT फॉर जनरल कैटेगरी। अब हम बात करेंगे स्कॉलरशिप की। यहाँ पे इस इंस्टीट्यूशन में स्कॉलरशिप भी दिया जाता है, जो पिछले क्लास के लोग होते हैं, पिछले वर्ग के लोग होते हैं, जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनका काफ़ी अच्छा नहीं होता, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल सेक्शन उनका और फाइनेंशियली वीक होते हैं, उनके लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है। तो ये था वीडियो IIM उदयपुर के बारे में। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में
बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोस मिलते रहेंगे। और जाते जाते ये वीडियो ऑफ लाइक आपको लाइक करना है, शेयर करना है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसके बारे में कमेंट में, कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट भी लिखना है। तो ये था वीडियो आई एम उदयपुर के बारे में। अगले वीडियो में हम आएंगे और एक वीडियो और एक इंस्पिरेशन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।